भाजपा ने शनिवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार के विकास कार्यों का पोस्टर कार्ड जारी किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा ने 2017 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य किए हैं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है, जिसको देखते हुए भाजपा ने प्रदेश के सभी विधानसभाओं में सरकार की योजनाओं का पोस्टर कार्ड जारी किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधानसभा के 5 जगहों पर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और सरकार की योजनाओं को बताएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में जिस तरह की गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल था तथा समाजवादी पार्टी के लोग जबरन जमीनों पर कब्जा करते थे, वहीं 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज स्थापित हुआ है और गुंडे और माफियाओं के जमीनों पर बुलडोजर चलने का काम हुआ है, वही यह समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सरकार बनने पर जिस तरह से गुंडे और माफियाओं के जमीनों पर बुलडोजर चला है, उनकी जमीनों को वापस कर देंगे और मुआवजा भी देंगे। ऐसे गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यकर्ता चुनौती देते हैं कि 2017 के विधानसभा से ज्यादा 2022 के विधानसभा चुनाव में सीटें जीतकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह, महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, केंद्र में हमारी मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 स्थानों पर इस प्रकार के प्ले कार्ड को लेकर के हमारे कार्यकर्ता कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 5-5, 7-7, 10 की संख्या में खड़े होकर के इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया है, 2017 के पहले जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, जिस प्रकार से अराजकता थी, समाजवादी पार्टी के लोग जबरन जमीनों पर कब्जा करते थे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है और जिस प्रकार से गुंडे माफियाओं के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम हुआ है, और ये बार बार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जिनके ऊपर चला है उनको फिर से वापस कर देंगे, ये गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चुनौती देते हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आम जनता ने मन बनाया है कि फिर से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 2017 से बड़ी जीत 2022 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आम जनता देने वाली है, और इसलिए आज हम सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक विधानसभा में 5 स्थानों पर इस पोस्टर को लॉन्च किए हैं।